राजनीति में हमेशा व्यस्त रहने वाले कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया दशहरे पर्व पर हमेशा ग्वालियर में होते हैं और अपनों के बीच दशहरा मिलन समारोह में शामिल होते हैं। इस बार भी वे ग्वालियर में थे और समाज के बीच पहुंचे। इस दौरान सिंधिया केवल कार्यक्रम में ही शामिल नहीं हुए बल्कि ढोल पर भी थाप देते नजर आए। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज कहते हैं। सच कहा जाए तो वो लोगों के लिए सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि दिल से भी महाराज हैं। इसका नजारा बुधवार को उनके आयोजनों के दौरान देखने को मिला। एक कार्यक्रम में उन्होंने अजान होते ही मंच संचालन रुकवा दिया तो मराठा समाज के दशहरा मिलन समारोह का ढोल बजाकर शुभारंभ किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज माना जाता है लेकिन वह लोगों के दिल में भी रहते हैं। आज वह मराठा समाज के कंपू के शिवाजी पार्क में आयोजित दशहरा मिलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद जब मंच पर सिंधिया बैठे ही थे कि थोड़ी ही देर बाद नमाज के पहले मस्जिद में अजान शुरू हो गई। अजान की आवाज आते ही सिंधिया ने हाथ का इशारा कर कार्यक्रम को रुकवा दिया। मजेदार बात यह है कि जब तक अजान चलती रही तब तक कार्यक्रम रुका रहा जबकि अजान खत्म होने के बाद ही सिंधिया ने हाथ का इशारा कर कार्यक्रम का संचालन शुरू कर पाया। दरअसल सिंधिया खुद मराठा राजवंश से आते हैं। यही वजह है कि इस समाज के प्रति उनका विशेष स्नेह रहता है। कार्यक्रम में शुभारंभ करने की घड़ी आई तो मराठा समाज के लोगों ने सिंधिया से ढोल बजाकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने का आग्रह किया। इस आग्रह को सिंधिया ने नहीं टाला और खुद जाकर मंच पर ढोल बजाया और फिर दशहरा मिलन समारोह की शुरुआत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, ग्वालियर।